أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتي امام الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حاضرین کے مقدر گفتگو کے لیے جو موضوع سخن ہمارے اس خمسہ مجالس کے لیے رکھا گیا عنوان ہے اصحاب امیر المؤمنین اور کل کی گفتگو کے اندر ہم نے کوشش کی کہ امیر کائنات کے اس صحابی کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ جس کا نام تاریخ نے سلماد محمدی بیان کیا ہے پیغمبر کے اصحاب میں سے بھی ہیں خود امیر کائنات کے اصحاب میں سے بھی ہیں اور آج اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے ہی حضرت سلمان کی ذات سے کچھ پیغام اور پھر اگلے مرحلے کی جانب ایک اور صحابی رسول ایک اور امیر کائنات کے صحابی کے ذکر کی طرف ہم بڑھ جائیں گے کل ہماری گفتگو اس مقام پر آ کر ٹھہری تھی کہ صحبت ہونا کافی نہیں ہے بلکہ صحبت وہ ہو کہ جو محبت کے ساتھ ہو ورنہ بے شمار ایسے افراد گزرے کہ جنہوں نے ساتھ میں وقت گزارا زندگی گزاری لیکن محب نہ تھے اہل بیت نے بھی ان سے محبت نہیں کی ہمارے لیے وہ افراد یقیناً لائق محترم ہیں یقیناً وہ لائق تعریف بھی ہیں یقیناً وہ لائق تحسین بھی ہیں یقیناً وہ لائق اقتداء بھی ہیں کہ جنہوں نے صحبت بھی اختیار کی اور صحبت بھی ایسی اختیار کی کہ محبت بھی رکھتے تھے اہل بیت بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور اس وقت کھڑے ہوئے جو ہمارے نزدیک پیمانہ ہے اس وقت کھڑے ہوئے کہ جب اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا یہ روایتوں کے اندر جملے ہیں چھٹے امام اس انداز سے ارشاد فرمایا کرتے تھے ساتویں امام کا بھی یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہم اس لیے ان افراد سے محبت زیادہ کرتے ہیں
कि जब मदीने में कोई भी अली व फातिमा की नुसरत के लिए नहीं खड़ा था, ये अफराद अली व फातिमा के लिए खड़े हुए थे, जिनमें से एक नाम हज़रत सलमान फ़ारसी का नाम है, जिनको सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। छठे इमाम का जुमला कि सलमान फ़ारसी न कहो, सलमान मोहम्मदी कहो, चूँकि वो उनका पुराना ताल्लुक़ है। इस्लाम लाने के बाद उनका ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से ऐसा जुड़ गया कि अब रहती क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा के ताबेदार भी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पैरोकार भी हैं, और उनका नाम ही सलमान मोहम्मदी अब कहा जाएगा। और क्यों कहा जाएगा, तारीख ने पूरे का पूरा वाक़िया दर्ज किया है और इस अंदाज़ से दर्ज किया है, और ये ख़ुद पैगाम है रहती क़यामत तक के लिए अहले बैत की मोहब्बत करने वालों के लिए, अहले बैत से हुब रखने वालों के लिए, कि हमारा जो किरदार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अहले बैत यथार तारुफ़ करवा सके रोज़े क़यामत। ये जुमला गालिबन गुज़श्ते साल भी मैंने आपकी समातों की अर्ज़ किया, आज भी इस रवायत का टुकड़ा आपकी समातों की अर्ज़ करूँ। चटे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया और एक मरतबा सवाल करने लगा, मौला आपका चाहने वाला कैसा होना चाहिए? मौला ने कहा हमारे तीन तरह के चाहने वाले हैं। एक चाहने वाला वो है जो फ़कत ज़ुबान से मोहब्बत का दावा करता है, दिल में मोहब्बत नहीं होती, का ज़ाहरी एतबार से हमारी मोहब्बत का फ़ायदा इसे भी मिलेगा लेकिन ये वो नहीं है जिसे हम पसंद करें। का दूसरा वो है जो ज़बान से ऐलान नहीं करता लेकिन दिल में मोहब्बत रखता है, ये भी मोहब्बत करने वाला है, इसकी मोहब्बत का अपना एक अलग मर्तबा है, लेकिन ये उस आला वरफा मकाम पर नहीं है जहाँ पर हम देखना चाहते हैं। कमाला फिर कौन सा ऐसा चाहने और मानने वाला है कि जिसको आप पसंद करते हैं? कब वो कि जो दिल से मोहब्बत भी रखे, इकरार करके ज़ुबान से हमारी मोहब्बत का इकरार भी करे, और हमारे नामों से अपना तारुफ़ करवाए कि मैं इनका चाहने और मानने वाला हूँ। मौलाने का जब किरदार ऐसा होगा कि मोहब्बत दिल में है, ज़ुबान पर ज़िक्र है, अपना तारुफ अपने नाम से नहीं हमारे नामों से कराए कि मैं वो हूँ जो इनका मानने वाला हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान किसी शख्सियत के लिए अपनी ज़ात को छोड़ दे, उनकी ज़ात से अपना तारुफ करवाए, क्या ज़बान से हमारा ज़िक्र करे, मोहब्बत दिल में रखिए और अपना तारुफ हमारे नामों से करवाए। क्या जब ऐसे शख्स रोज़े क़यामत में आएगा तो हम अपना तारुफ उसके नाम से करवाएंगे, ऐसा शख्स जब रोज़े क़यामत आएगा हम अपना तारुफ उसके नाम से करवाएंगे कि ये हमारा मोहब आया है। सलमान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या किया, आज साहब का मजमा है, लोग बैठे हुए हैं और बात ये हो रही है कि हर एक अपना नसब व हसब बताए, हर एक अपना हसब व नसब बताए, और एक मरतबा जब कहा गया हर एक ने अपने अपने बारे में बताया कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, फ़लाँ का बेटा हूँ, मेरा सिलसिला नसब यहाँ तक जाकर मिलता है, और ये जुमला कहने के बाद एक मरतबा सलमान से कहा सलमान तुम भी तो बताओ, और सलमान बड़े बावकार तरीके से लोगों के दरमियान खड़े हुए और एक मरतबा जुमला कहते हैं अना सलमान बिन अब्दुल्ला, अना सलमान बिन अब्दुल्ला, अना सलमानुल मुहम्मदी, मैं सलमान हूँ, अल्लाह के बंदे का बेटा हूँ, मैं सलमान मोहम्मदी हूँ। क्या सलमान ये तारुफ कहाँ से आ गया, तुम्हारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा से कैसे हो गया? एक मरतबा जुमला कहा कुन तो ज़ालन फहदानी अल्लाह बि मोहम्मदिन, मैं गुमराह था, खुदा ने मुझे हिदायत दी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से दी, मैं गुमराह था, मुझे खुदा ने हिदायत दी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से दी। कुन तो ग़ुलामन, मैं ग़ुलाम था, फ़ातक अल्लाह हो परवरदिगार आलम ने मुझे निजात दी, आज़ाद करवाया बे मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से, और मैं कुछ भी नहीं था, कुन तो फ़कीरन, मैं फ़कीर था, परवरदिगार आलम ने मुझे गनी बनाया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से बनाया। तो जो कुछ मेरे पास है, चाहे ईमान के अतबार से हो, चाहे हसब के अतबार से हो, चाहे नसब के अतबार से हो, सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा का अता किया हुआ है, तो हक़ यह है कि मैं कहूँ कि मेरा ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से है, मेरा और कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं, मेरा ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात से है। बस इंसान अपने रुतबे पर, अपने किरदार पर गौर करे कि वह अपना किरदार किससे मरबूत करना चाहता है, उसका ताल्लुक़ किससे बनाना चाहता है, अपना ताल्लुक़ किससे गहरा करना चाहता है। अहले बैत से अगर गहरा करना चाहता है तो फिर अहले बैत की ज़वात अक़दस उसके किरदार के अंदर नज़र आनी चाहिए कि मैं गुमराह था, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से खुदा ने हिदायत दी। और जब लोग ये सुना करते थे तो एक मतलब परेशान हुआ करते थे कि सलमान किस तरीके से जुमला कहते थे, और जब
یہی بات پیغمبر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں لائی گئی. اور یہ لے کر کون آیا؟ یہ لے کر وہ آئے کہ جو خود کلیش کر رہے تھے کہ جب سلمان کے بارے میں فضائل سننا شروع کیے تو یہ جملہ کہا کہ سلمان ہم انصاریوں میں سے ہے، کسی نے کہا سلمان ہم مہاجروں میں سے ہیں، اور جب سلمان نے اپنا تعارف سلمان محمدی کے اعتبار سے کرایا، لوگ قضیہ لے کر سلمان کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر کی خدمت میں لے کر آئے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. انصار کہتے ہیں ہم میں سے ہے، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہے، پیغمبر نے کہا نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کہ معصوم کا جملہ ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے ان 10 درجوں کو پا لیا. مقداد 8ویں درجے پر ہے، ابو ذر 90 درجے پر ہے، اور کہا کہ پروردگار عالم نے سلمان کو جو کچھ عطا کیا، جو اسرار عطا کیے، علم منایا عطا کیا، علم بلایا عطا کیا. معصوم کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت سلمان کو پیغمبر خدا کے ذریعے سے جو عطا کیا وہ رہتی قیامت تک شاید کسی کو اس انداز سے عطا ہوا ہی نہیں اصحاب میں سے. فرمایا فَإِنَّهُ أَدْرَكَ عِلْمَ الْأَوَّلْ وَعِلْمَ الْآخَرْ. سلمان وہ تھے کہ جس نے علم کے اول کو بھی درک کیا، علم کے آخر کو بھی درک کیا. رہتی قیامت تک جو حوادث پیش آنے والے ہیں سلمان کی نالج میں تھے، اور یہ پیغمبر نے دیے تھے. اور کب دیے تھے؟ کہ جب سلمان اس جستجو کے اندر آئے. سلمان کی زندگی ایک بہت بڑا پیغام ہے حق پرستوں کے لیے. اب یقیناً یہاں پر حق پرستوں سے مطلب جو حق کی تلاش میں متراشی رہتے ہیں، جو دین کی تلاش میں متراشی رہتے ہیں، کوئی سیاسی نعرہ میں نہیں بیان کر رہا. لیکن بہرحال سلمان حق کی تلاش کے اندر، حق کی جستجو کے اندر سفر کر کے آئے. سلمان کی پوری زندگی پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی تلاش کے اندر رہتے ہیں. اور یہ پیغام بھی ہے کہ زندگی کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، زندگی کتنی طولانی کیوں نہ ہو جائے، اگر انسان حق کی تلاش کے لیے سرگردہ رہتا ہے تو حق کو حاصل کر لیا کرتا ہے. سلمان کی عمر 9 سال ہے، بچپنے کا عالم ہے، فارس کے رہنے والے ہیں. شیراز یا اصفہان کے قریب کا کوئی علاقہ، دہقان کا علاقہ بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر رہتے ہیں. جس قبیلے سے تعلق ہے، جس خاندان سے تعلق ہے، مجوسی، زردش یا آتش پرست تصور کیے جاتے ہیں. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ مولانا نے اس انداز سے تعارف کروایا تھا، جب ابو وسیم نے حضرت سلمان کے بارے میں یہ جملہ کہنا چاہا کہ مولا وہ تو پہلے اسلام پر نہیں تھے، فضائل کے اعتبار سے اتنا مرتبہ، تو مولانا نے کہا کہ کان علویاً بعد ان کان مجوسیاً. پروردگار عالم نے انہیں علوی بنا دیا تھا، مگر یہ کہ اس سے پہلے وہ مجوسی تھے. وکان قریشیاً بعد ان کان فارسیاً، پروردگار عالم نے انہیں قریشی بنا دیا اس سے پہلے کہ وہ فارسی تصور کیے جاتے تھے. تو حضرت سلمان 9 سال کی عمر ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، اور ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، زمینیں موجود ہیں، ہل چلانے کے لیے آج تم چلے جاؤ. ہل چلانے کے لیے زمینوں پر نکلے ہیں، اور ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عبادت گاہ بنی ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو پیغمبر کی بعثت سے پہلے بھی 200 سال پہلے کا زمانہ ہے. آفیشیل مذہب جو پروردگار عالم کی جانب سے اس وقت ہے وہ ہے مسیحی مذہب، یہ جو کتاب خدا کے ساتھ موجود ہے، مسیحیت موجود ہے. اس کے مقابلے میں زردشت ہے، آتش پرست ہے جو ان کو بالکل برداشت نہیں کرتے، مجوسی ہے جو بالکل برداشت نہیں کرتے، اور سلمان کا تعلق ایسے ہی کرانے سے ہے جو آتش پرست سے. گھر سے نکلے ہیں ہل چلانے کے لیے، باپ نے بھیجا ہے زمینوں پر جا کر ہل چلاؤ. یہاں تک کہ راستے میں ایک ایسا مقام دیکھا کہ جہاں پر ایک عبادت گاہ کو بنا ہوا دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا جو نعرہ بلند کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ یا عیسیٰ نبی اللہ، کہ پروردگار کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عیسیٰ پروردگار عالم کی وہ نمائندگی کرنے والے ہیں جن کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے، نبی پروردگار ہے، رسول پروردگار. ایک مرتبہ کھڑے رہے، ملاحظہ کیا، کافی دیر تک جستجو کی، گئے، کام کو انجام دیا، گھر واپس آئے. ایک مرتبہ باپ نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی. سلمان نے جھوٹ نہیں کہا کہ میں نے راستے میں ایک ایسی عبادت گاہ کو دیکھا جہاں میں نے نورانی چہرے لوگ والے لوگ دیکھے، عبادت کر رہے تھے، کسی اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجھے بڑا لطف آیا دیکھتے ہوئے. ایک مرتبہ باپ غضبناک ہوا اور یہ جملہ کہا کہ آئندہ اس مقام کے قریب نہ جانا، وہ اچھا مقام نہیں ہے، بالکل قریب نہ جانا. اور جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے، ایک مرتبہ حضرت سلمان تصور لاتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا، کہ کیا سبب ہے کہ میرا بابا مجھے اس چیز سے روک رہا ہے، جستجو اور بڑھ رہی ہے،
یہاں تک کہ ایک مرتبہ نوروز کا وقت آیا، زردشتیوں کے یہاں تو بہت بڑی عید تصور کی جاتی ہے، آج بھی فارس والے نوروز کو اس انداز سے مناتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی اسلامک ویلیوز بھی اپنی جگہ پر ہوں گی۔ گھر کی صفائی ہونے لگی، حضرت سلمان کے گھر کے اندر ایک روشن دان بنا ہوا تھا، وہاں پر کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صفائی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے، کتاب زمین پر آ کر گری، کتاب کو اٹھایا، کھولنا چاہتے تھے، ماں نے روک دیا، کیسے اسی جگہ پر رکھ دو۔ تجسس اور بڑھا، یہ حق کی تلاش ہے، تجسس اور بڑھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی آئی، گھر والے سو گئے، ایک مرتبہ کتاب کو نکالا، چاند کی روشنی کے اندر کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تو دیکھا کہ یہ اپنے ہی دادا پردادا کے کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک مذہب ایسا دنیا کے اندر آنے والا ہے جس مذہب نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے، اور اس مذہب کی نشانیوں میں فلاں فلاں نشانیاں ہیں، اور پھر مختلف مذاہب کے کمپیریزن کو لکھا ہوا تھا، اور پھر لکھا ہوا تھا کہ مسیحیت بھی ہوگی اس کے مقابلے میں، زردشت ہوں گے، آتش پرست ہوں گے، اور اگر تم میں سے میری اولاد میں سے کوئی دیکھے تو آتش پرستی کا ساتھ نہ دینا۔ ایک مرتبہ ان جملوں کو پڑھا ہے اور اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ جس نے لکھا ہے اس نے بہتر لکھا ہے، اب اس کی جستجو کروں گا۔ اس جستجو کے اندر ان مقامات تک پہنچے کہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، وہاں تک آ کر ان علوم کو حاصل کرنا شروع کیا، عیسائیوں کے راہبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، اور جب اپنی کتاب کو مطالعہ کرنا شروع کیا جو عیسائی مذہب تھا، اپنے مذہب کو تبدیل کیا، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا والدین سے، اور جب ان سے پڑھنا شروع کیا تو معلوم چلا کہ یہ دین بھی وہ دین ہے کہ جس کے بعد ایک ایسا ہادی آنے والا ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے ان تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ اور جب وہ نشانیاں پڑھنا شروع کی تو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ یثرب مرکز ہوگا، ایک نبی آئے گا، اس کی نبوت پوری دنیا کے اندر رائج ہو جائے گی، اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ جس کی خاص تین نشانیاں ہوں گی۔ اب یہ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں حضرت سلمان کہ کیا نشانی ہوگی، کہ وہ تین چیزوں کے اعتبار سے چیک کیا جا سکتا ہے، جج کیا جا سکتا ہے اس کی نبوت کو، معلوم کرنا ہو کہ نبی ہے یا نہیں ہے تو تین چیزیں ملاحظہ کر لینا، اگر اس کے سامنے صدقہ دیا جائے گا صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اسے ہدیہ دیا جائے گا ہدیے کو رد نہیں کرے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان پشت کی جانب مہر نبوت موجود ہوگی، لہذا جو اس کو ملاحظہ کرے تو ایمان لے کر آئے۔ سلمان کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں، کتابوں کو در کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہ جو عیسائی تھے کہا مجھے سفر کرنا ہے، سفر کیا، ایک قافلے کے ساتھ آزم سفر ہوئے، قافلے والوں نے دھوکہ دیا، کسی شخص کے ہاتھوں بیچ دیا، غلامی کے اندر آ جائے، یہودی کے غلام بن گئے، اور وہ یہودی کا تعلق تھا مدینے سے، مدینے پہنچے ہیں، شکر پروردگار کیا، پروردگار یہی تو پہنچنا چاہتا تھا، مدینے پہنچ گئے، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد روایتیں لکھتی ہے یہ اس وقت کی عمر ہے کہ جب ہی جوان بھی نہیں ہوئے، 200 سال کی زندگی گزاری ہے حق کی تلاش کے اندر، اور 200 سال کے بعد جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ مکے کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے دین کی دعوت دی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہا ہے، اور جب پیغمبر مدینے آئے تو اب سلمان کو ایسا لگا کہ وہ نبی آ گیا جس کی بشارت مجھے کتابوں کے اندر دی گئی۔ اب یہودی کے غلام ہیں، باغ میں کام کرتے ہیں، مہینے میں ایک چھٹی ملتی ہے، اس چھٹی کو اویل کرتے ہوئے حضرت سلمان ایک مرتبہ آئے پیغمبر کے پاس، اپنے ہی باقی کچھ کھجوریں لی، پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ابھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر نے قبول کیا اور ایک مرتبہ جو برابر میں بیٹھے ہوئے فقرا تھے ان میں تقسیم کروا دیا، خود استعمال نہیں کیا۔ اگلے مہینے چھٹی ملی اور اس چھٹی کے اندر دوبارہ اس چھٹی کو اویل کرنے کے لیے آئے، ایک تحفہ لیا پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ ہدیہ لے کر جیسے ہی پہنچے پیغمبر نے قبول کیا اور ایک مرتبہ کسی صحابی کو بلایا اور کہا جا کے در سیدہ پر جا کر رکھ کر آ جاؤ۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ تیسرے مہینے حق کی جستجو ہے، ایک ایک مہینے کے اندر ایک دن ملتا ہے جب پیغمبر کی زیارت ہو سکتی ہے، اور تیسرے مہینے جب چھٹی ملی ہے ایک مرتبہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے، مسجد النبوی پہنچے، مسجد النبوی کے اندر پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کو نظر نہ آئے، کوئی نظر نہ آیا، سوال کیا وہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول گرامی قدر کہاں پر ہے، کہ وہ رسول تو کسی کے جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے گئے ہیں، بقی کی طرف ملیں گے۔ مدینے کی گلیوں کو چیرتے ہوئے بقی کے میدان کی طرف گئے، قبرستان کی طرف گئے، دیکھا پیغمبر تشییع جنازہ کے لیے جا رہے تھے، اصحاب ساتھ میں تھے۔ پیغمبر نے اب سارے نبوت بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ سلمان آ چکے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع لگ جائے کہ اب مہر نبوت ملاحظہ ہو جائے۔ سلمان کبھی آگے کی جانب آتے ہیں، کبھی پیچھے کی جانب آتے ہیں، یہاں تک کہ یکایک پیغمبر نے ایک عجیب کام کیا، اپنی قمیض کے بٹنوں کو کھولا
और इस अंदाज से झुके कि पुश से कमीज ऊपर हुई। मोहरे नबूवत को सलमान ने मुलाहिदा किया और जैसे ही सलमान ने मुलाहिदा किया पैगंबर मुस्कुराकर कहने लगे, सलमान तीसरी निशानी भी देख ली, अब आकर खुद ऐलान करोगे या हम बताएं कि कौन आया है? आकर खुद बताओगे या हम ऐलान करें? सलमान ने हाथ पकड़ा है पैगंबर का और एक मरतबा कलेमे को जारी किया है, कहा या रसूलल्लाह यही तीन निशानियां थी जिनके बारे में मुझे बताया गया था। और उसके बाद से सलमान इस अंदाज से पैगंबर के करीब हुए कि अब यहूदी के बाग से आज़ाद करवाया है तो पैगंबर ने आज़ाद करवाया है। यही सलमान कहते, गुलामी के अंदर हूँ, यहूदी के बाग के अंदर हूँ, यहूदी के बाग में पैगंबर गए हैं और एक मरतबा जुमला कहा है कि कोई है इसको आज़ाद कराने वाला? यहूदी ने भी मनमानी कीमत मांगी है कि मुझे फना इतने सारे दरख्त चाहिए। ये खुद मौजज़ा है, आज भी लोग मदीने में जाते हैं बाग सलमान फारसी की ज़ियारत करते हैं कि जाकर देखते हैं कि उस जगह पर जब पैगंबर गए, पैगंबर से जब मुतालबा किया गया कि इतने 100 दरख्त या 200 दरख्त चाहिए, पैगंबर अपने हाथों से बीज बोते जाते थे, वजूद पैगंबर की बरकत से दरख्त उगते जाते थे, यहाँ तक कि उतने दरख्त उगा कर पैगंबर ने हदिया किए, सलमान को आज़ाद कराया। इसीलिए सलमान कहा करते थे, मैं ग़ुलाम था, मुझे आज़ाद कराया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कराया। तो अब सलमान की ज़िंदगी को अगर मुलाहिदा करना चाहे तो ये सलमान वो सलमान है जो ज़िंदगी के अहम तरीन पैगाम ये बताते हुए नजर आते कि मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब को तर्क न करना। ये सलमान की ज़िंदगी का पैगाम। अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन के अंदर वो सहाबी कि जिसके क्रेडिट के ऊपर अइम्मा ताहिरीन की मोहब्बत की बेशुमार रिवायतें मौजूद, कि रावी का जुमला है अब्दुल्ला इब्न मसूद लिखते कि मैं देखा करता था सलमान को कि सलमान बैठे हुए मस्जिद नबवी के अंदर मुस्कुराया करते थे। पैगंबर का ज़माना गुजर चुका, मैंने देखा कि सलमान बैठे हुए मुस्कुराते हैं। मैंने सवाल किया, सलमान क्यों मुस्कुराते हो? कहा मैं अली की मोहब्बत को जब दिल में महसूस करता हूँ मुस्कुराता हूँ, जब अली की मोहब्बत को दिल में महसूस करता हूँ मुस्कुराता हूँ। कहा ऐसी क्या बात है कि मुस्कुराहट आ जाती है? कहा मैंने पैगंबर को देखा है, पैगंबर बैठे होते थे, हाथ पर रान पर हाथ मार कर ये जुमला कहते थे, या अली तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। जो खुदा की मोहब्बत तक पहुंचना चाहता है, अली तेरी मोहब्बत तक पहुंचेगा तुझसे मुझ तक पहुंचेगा, मुझसे खुदा तक पहुंचेगा। अब कुरान करीम की वो आयत जहन में रखिएगा जो हम रोज़ सन्नाम कलाम के तौर पर पढ़ रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम दावा करते हो कि तुम खुदा से मोहब्बत करते हो, खुदा को दोस्त रखते हो, रसूल की इत्तबा करो, खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं सलमान के ज़रिए से? या अली जो तुझसे मोहब्बत रखेगा मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा खुदा उससे मोहब्बत रखेगा। यानी अल्टीमेटली अली के दरवाजे पर आने वाला वो होता है जिससे खुदा मोहब्बत किया करता है। और या अली जो तुझसे बुज़ रखेगा उसने मुझसे बुज़ रखा है, जो मुझसे बुज़ रखता है दर हकीकत खुदा से बुज़ रखता है, खुदा उसे पसंद नहीं करता। सलमान वो ज़ाते अक़दस है कि जो इस अंदाज से बतलाते हुए नज़र आते हैं। और ये ज़िंदगी का पैगाम सलमान किस अंदाज से बतला रहे हैं कि ज़िंदगी को दरे दौलत अमीरुल मोमिनीन पर गुजारा है, अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर गुजारा है। कि सवाल किया है तो अमीरुल मोमिनीन से, सीखा है तो अमीरुल मोमिनीन से, और पैगाम दिया है तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ात का पैगाम दिया है। कि बतलाया कि अली की विलायत क्या है, अली की विलायत किस किस पर नाफिज है। एक मरतबा आते हैं, सवाल करते हैं, जहन में रहे कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर हैं, 10वें दर्जे पर जो शख्स हो उसके ईमान के कमाल की मंजिल क्या होगी। आकर अमीर कायनात से सवाल कर रहे हैं, सवाल करना बतला रहा है कि सलमान तो जानते हैं हम लोगों के लिए रहती कयामत तक पैगाम देना चाह रहे हैं। और एक मरतबा सवाल करते हैं, मौला आपकी विलायत क्या पूरी मखलूकात के ऊपर है? मौला ने कहा पूरी कायनात के ऊपर मेरी विलायत को पेश किया गया है, ज़मीन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आसमान की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर मेरी विलायत को पेश न किया गया हो। मासूम की रिवायत के जुमले हैं, हत्ता के अम्बिया को अगर नबूवत मिली तो अली की विलायत मोहब्बत के सदक़े में, लई यबअसल्लाह नबियन हत्ता बे नबूवत मोहम्मदिन व विलायत अलीन। कोई नबी मबूस पर रिसालत नहीं हुआ मगर यह कि जब तक उसने आखिर उस ज़मान में आखिरी नबी की नबूवत का इकरार ना किया हो, अली की विलायत का इकरार ना किया हो। रिवायतें भरी पड़ी हैं, पैगंबर मेराज पर गए हैं, मेराज पर गए हैं, अम्बिया ने मुशाहिदा किया है। एक मरतबा पैगंबर से परवरदिगार आलम मुखातिब हुआ, या रसूल अल्लाह, ए मेरे रसूल, सवाल कीजिए कि इन अम्बिया को नबूवत कैसे मिली है। हर एक ने कहा अला नबूवत का व विलायत अली इब्न अबी तालिब, आपकी नबूवत की बुनियाद पर, अली की विलायत की बुनियाद पर। तो वो अली की जिसकी विलायत अम्बिया के सामने पेश की गई, मौला ने कहा कायनात की हर शय के सामने मेरी विलायत को पेश किया गया, हत्ता कि अगर पानी के सामने पेश किया गया
पानी मीठा हो गया, जिस पानी ने कबूल ना किया वो पानी तुर्श खारा हो गया। फल और फ्रूट्स के सामने पेश किया गया, बहुत ही मशहूर मारूफ रिवायत है हज़रत कंबर की कि कंबर से मौला ने कहा कि जाके तरबूज लेकर आओ। कंबर तरबूज लेकर आए, रिवायत कहती है कि दो तरबूज लाए और दोनों तरबूजों को एक मरतबा काटा है और काटा तो देखा कि दोनों का जायका मुनासिब ही नहीं है, एक बिल्कुल बेजायका है, एक का जायका मीठा नहीं है। मौला ने कहा एक मरतबा और तरबूज लेकर आओ, तरबूज लेकर आए। अब मौला ने कहा कि ए कंबर इस तरबूज को काटो, फ़इन्नहा मामूरुन, परवरदिगार आलम ने इसको ख़ास हुक्म दिया है, तुम देखना कि इसके अंदर एक तब्दीली महसूस करोगे। कंबर ने काटा है तरबूज को, काट के खाना शुरू किया, देखा कि मीठा है। का मौला ये मामूर क्यों था, क्या वजह थी कि उसका जायका ऐसा था इसका जायका ऐसा है? का जब परवरदिगार आलम ने मेरी विलायत को कायनात की हर शय के सामने पेश किया, जिस जिसने मेरी विलायत को कबूल किया परवरदिगार आलम ने उसमें तासीर पैदा करना शुरू कर दी। लिहाजा पानी मीठा हो जाता है अली की मोहब्बत की वजह से, फल मीठा हो जाता है अली की मोहब्बत की वजह से, जायका तब्दील होता है अली की मोहब्बत की वजह से। अब सलमान सवाल कर रहे हैं, मौला आपकी विलायत परवरदिगार आलम ने कहाँ कहाँ रखी है? सवाल करने वाला कौन है? सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर है। हम ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि सलमान एक ऐसा सवाल करेंगे कि जिस सवाल का फ़ायदा ना हो, जिस सवाल का फ़ायदा ना हो। रहती कयामत तक के लिए बतला दिया कि परवरदिगार आलम ने अली इब्न अबी तालिब को अथॉरिटीज़ क्या दी है। सवाल क्या है? सवाल वो सवाल है जो इब्राहिम के सवाल परवरदिगार से है। कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम ने कोट किया कि इब्राहिम परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं, परवरदिगारा तू मुर्दों को जिंदा करेगा, मरने के बाद तू नई जिंदगी देगा, परवरदिगार कैसे करेगा ये? मैं देखना चाहता हूँ कौन है, खलीलुल्लाह है। लियतमाइन कल्बी, ताकि मेरा कल्ब मुतमइन हो जाए। कफाखा वतैर, एक परिंदा लो उसे काटो और अपने परवरदिगार का नाम लेकर पुकारो। कुरान ने पूरा का पूरा वाक्य हज़रत इब्राहिम का कोट किया है। यही सवाल सलमान करते हैं, मौला परवरदिगार आलम ने आपकी विलायत किस किस जगह पर रखी है, क्या अथॉरिटीज़ दी है? मौला ने कहा कि अगर हम किसी मुर्दे को ज़िंदा करना चाहें बेइज़्निल्लाह ज़िंदा कर दिया करते हैं। क्या मौला अगर मैं मुशाहिदा करना चाहूँ, किताब असाकिब वल मनाकिब, बहुत मशहूर मारूफ, जिसमें मौलाए कायनात के और अहले बैत अतहार के वो मौजज़ात हैं जो माफ़ौकुल फितरत हैं। किताब मैंने आपकी समातों की नज़र की, किताब मिल जाए तो उसमें देख लीजिएगा। कि सलमान सवाल करते, मौला मुशाहिदा करना चाहता हूँ कि आप कैसे ज़िंदा करेंगे। मौला ने कहा देखना चाहता हूँ, ठीक है परिंदे को बुलाओ। क्या मौला परिंदा आएगा? क्या जब हमारा नाम लोगे तो आएगा, हमारा नाम लोगे तो आएगा। आसमान पर उड़ने वाले परिंदे को मुखातिब किया है, तैर अली इब्न अबी तालिब का हुक्म है कि आ जा। परिंदा आया है सलमान के पास आकर बैठ गया। क्या सलमान अब ज़िबा करो और टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक देना। सलमान ने परिंदे को काटा है, मुख्तलिफ टुकड़े किए, मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिए। क्या सलमान फेंक दिए? क्या मौला फेंक दिए? क्या अब इसे कहो कि अली इब्न अबी तालिब ने हुक्म दिया है वापस आओ? अली इब्न अबी तालिब का नाम लिया, हुक्म दिया, परिंदा जुड़ा, वापस आया, जिंदा होकर आया। 7 मरतबा, 7 मरतबा यह अमल दोहराया है सलमान ने। और जब 7वीं मरतबा परिंदा वापस लौटा है, एक मरतबा परिंदे से कहा कि तू क्यों कर बार बार आता है, बार बार ज़िबा होता है, चला जाता है, वापस आता है, क्या तुझे तकलीफ़ नहीं होती? एक मरतबा परिंदा बहुक में खुदा गोया हुआ, सलमान तकलीफ़ किसे नहीं होती, लेकिन देखा यह जाता है किसके नाम पर बुलाया जा रहा हूँ, देखा यह जाता है किसके नाम पर बुलाया जा रहा हूँ, अली इब्न अबी तालिब के नाम पर बुलाया जा रहा हूँ। ये वो विलायत का पैगाम है जो सलमान देकर जा रहे हैं कि अली की विलायत के अंदर शक न करना, इस विलायत के मुकाबले पर कोई दूसरी विलायत आ ही नहीं सकती, ये तो मिन जानिबिल्लाह है जो खुदावंद मुताल ने इम्मे ताहिरीन को दी है, इसके मुकाबले पर कौन सी विलायत होगी कि जो ज़िंदगी दे दे। बेइज़्निल्लाह ज़िंदगी देने वाली विलायत परवरदिगार आलम की तरफ से अहले बैत अतहार को हासिल है, इसके मुकाबले पर कोई और विलायत नहीं आ सकती। सलमान पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और सलमान का पैगाम क्या है कि अली इब्न अबी तालिब को वैसे फॉलो करो जैसे पैगंबर फॉलो करवाना चाहते थे, जो पैगंबर बताकर चले गए वैसे अली को अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज करो। और यह असहाबे अमीरुल मोमिनीन का एक किरदार आपको तारीख में नज़र आएगा कि इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी है।
कि जहां जहां मौका मिला है अहले बैत के फजाइल को आया करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अबू समसाम अबसी तारीख ने एक किरदार लिखा है कि जिस किरदार ने यह बतलाया है कि अहले बैत अतहार का तारुफ पैगंबर के बाद अस्हाब अमीर कायनात या अस्हाब पैगंबर कैसे करवाया करते थे। अबू समसाम अबसी वो किरदार है कि पैगंबर की जिंदगी में आया और पैगंबर की जिंदगी में आने के बाद, अब चूंकि हमारा मौजू ही अस्हाब अमीर कायनात या अस्हाब पैगंबर है तो जाहिर सी बात है एक डिटेल हिस्ट्री आपकी समातों की नजर होगी। अबू समसाम अबसी पैगंबर की खिदमत में आया और एक मरतबा पैगंबर के जब महफिल में दाखिल हुआ है, एक रौनत के साथ दाखिल हुआ, यमन का रहने वाला था, रौनत के साथ दाखिल हुआ और सवाल करता है कि तुम में से नबूवत का दावेदार मोहम्मद कौन है। चेहरे पर एक रौनियत मौजूद है, चेहरे पर एक गुरूर मौजूद है। मस्जिद में दाखिल हुआ है, मस्जिद के अंदर उस वक्त लोग आया करते थे, उस तवानतुल वफूद आज भी मदीने की मस्जिद के अंदर मौजूद है जहां पर पैगंबर वफूद से मुलाकात किया करते थे, डेलीगेशन से मुलाकात किया करते थे। मस्जिद में दाखिल हुआ है, क्या तुम में से नबूवत का दावेदार मोहम्मद कौन है। जैसे ही ये जुमला सुना, सलमान खड़े हुए और ये जुमला कहा कि तुम नबूवत के दावेदार की बात करते हो, हकीकी नबूवत इसी के हिस्से में है। ये वो है जो सूरज को रोशनी दे रहा है, ये वो है कि चांद की चांदनी इसके वजूद के सबब से है, ये वो है कि कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं इसकी मोहब्बत के अंदर पैदा की गई। सलमान ने बेशुमार फजाइल पैगंबर खत्मी मरतबत के बयान किए। वो शख्स आया है, पैगंबर के सामने बैठा है और एक मरतबा सवाल करता है कि अगर तुम रसूल हो तो ये बताओ कि क़यामत कब आने वाली है, अगर तुम रसूल हो तो ये बताओ कि मेरे इलाके में क्या होने वाला है, अगर तुम रसूल हो तो ये बताओ कि मेरे नाके के, जो मेरी नाका है या मेरी ऊँटनी है, उसके यहाँ क्या पैदा होने वाला है, उसके रहम में क्या है। पैगंबर ने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की, क्या इसका तर्जुमा ये था कि क़यामत कब आने वाली है इसका जानने वाला परवरदिगार है, परवरदिगार तुम्हारे दिलों के कल्बों के हाल को भी जानता है, वमा फिल अरहाम जो और जो तुम्हारी चीज़ों के रहम के अंदर मौजूद है उनको भी जानता है। ये परवरदिगार की मसलहत है कि कब आया करे कब आया न करे। आयत का सुनना था, एक मरतबा कहता है कि मैं आप पर ईमान लेकर आया, मैंने अपनी किताबों में निशानी पढ़ी थी कि आखिरी नबी की खासियत ये होगी कि जिससे जैसा सवाल किया जाएगा वैसा वो जवाब देगा। मैं मुतमईन हो गया, अब मैं अपने इलाके की जानिब लौट रहा हूँ, लेकिन मैं लौट तो जाऊँगा। अगर मैंने अपने इलाके वालों को मुसलमान कर दिया तो आप मुझे क्या देंगे। पैगंबर ने कहा कि तू क्या चाहता है, तो मुझे ऊँटनियाँ चाहिए और ऊँटनियाँ भी ख़ास खसलत वाली चाहिए जिनके बाल सुर्ख हों, जिनके पेट सफ़ेद हों, जिनकी आंखें नूरानी हों, जिन पर यमनी और हिजाजी पालाने रखी हुई हों, यानी या आज के दौर की गोया मर्सिडीज। उस ज़माने के अंदर इतनी तो ऊँटनियाँ भी मौजूद नहीं थी। कहा कितनी चाहिए, कहा 80 चाहिए। पैगंबर ने कहा अगर तू अपने इलाके वाले को मुसलमान बना कर लेकर आ गया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का वादा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे देगा। पैगंबर ने जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह कोई तहरीर हो जाए। पैगंबर ने एक मरतबा अमीर कायनात को बुलाया और अमीर कायनात को बुलाने के बाद कहा अली तहरीर लिख कर दे दो मिन मोहम्मद नबीन, वो मोहम्मद के जो नबी है वो तहरीर कर रहा है किसके लिए, इला अबू समसाम अबसी, अबू समसाम अबसी के लिए, कि अगर ये अपने इरादे में कामयाब हो गया 80 ऊँटनियाँ पैगंबर इसको देने का ज़ामिन है। तहरीर हाथ में ली है, चला गया, वापस चला गया, यहाँ तक कि अपने इलाके वालों को मुसलमान बनाया। और जब मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद जब वापस लौटा तो पैगंबर दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सुना है एक मरतबा मायूस होकर मदीने की मस्जिद से निकल रहा था, सलमान ने हाथ को थाम लिया, कहाँ जा रहा है। कहा मैं तो समझा था दीन मोहम्मद का दीन सच्चा दीन है, जो वादा होगा वो पूरा होगा। क्या तुझसे किसने कहा है कि यहाँ पर आकर तकाजा कर, उससे तकाजा कर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नायब है, उससे तकाजा कर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नायब है। क्या कौन है। हाथ पकड़ कर अमीर कायनात के घर के बाहर लेकर आए। अभी दरवाजे पे दक्कुल बात किया था कि एक मरतबा मौलाए मुत्तकियान ने मुखातिब करके कहा सलमान अबू समसाम को अंदर लेकर आओ। अपने नाम का सुनना था, एक मरतबा परेशान होकर कहते हैं किसके दरवाजे पर लेकर आए हो। अब सलमान ने तारुफ करवाना शुरू किया और इस तारुफ के लिए मैंने पूरी इस तमहीद को बांधा कि सलमान
अहले बैत अतहार का तारुफ कैसे करवाते हुए नजर आते हैं, और ये तारुफ इस अंदाज से अहले बैत अतहार का एक और मकाम पर नजर आता है, वो भी आपकी समातों की नजर कर दूं, फिर इस मकाम पर आऊं ताकि एक लुत्फ को आप महसूस कर सकें और मौजूदा जमाने के अतबार से एक अहम तरीन पैगाम आपकी समातों की नजर हो जाए कि इस अंदाज का तारुफ जो अहले बैत के फजाइल का तारुफ है, यह तारुफ कहां पर नजर आता है? मस्जिद कूफा के अंदर नजर आता है, जब एक चाहने वाला लाया गया अब्द अस्वद काला गुलाम, और जब उसको लाया गया तो इस जुर्म की पादाश के अंदर लाया गया कि उसने चोरी की है, चोरी की है तो इसके हाथ काट दिए जाएं। अमीर कायनात का चाहने वाला था, मस्जिद में शोर उठा हुआ है, मस्जिद कूफा के अंदर एक पूरा मकाम है, मकाम दक्कतुल कज़ा, मौला कायनात जहाँ पर फैसले सादर किया करते थे। केस लाया गया, मौला बैठे, मौला ने सुना और एक मरतबा सवाल किया, असारा का अंतया गुलाम, क्या है गुलाम तूने चोरी की है? का नाम? मौला ने कहा ठीक है। दूसरी मरतबा सवाल किया, असारा कांता या गुलाम, क्या तूने चोरी की है? का नाम? या मौला व सईदी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, मैंने चोरी की है। मौला ने कहा इन अकरर तसलासन, अगर तूने तीसरी मरतबा इकरार किया तो मैं हुक्म दूंगा कि तेरे हाथ को काट दिया जाए। फिर सवाल किया, असारा कांता या गुलाम, क्या तूने चोरी की है? का नाम? या मौला, मौला मैंने चोरी की है। फ़ामर अमीरुल मोमिनीन, मौला ने हुक्म दिया, हत्ता क़त्अत यदा, उसके हाथ को काट दिया गया। फ़ख़रज मिन मस्जिद, वो ऐसे मस्जिद से बाहर निकला कि इस हालत में था कि अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को संभाले हुआ था जो कटा हुआ था, खून बह रहा था। मस्जिद कूफा से बाहर निकला, बाजार कूफा में पहुँचा कि एक शख्स से मुलाकात हुई, तारीख में उसका नाम लिखा है इब्नुल कौवा। इब्नुल कौवा खवारिज के सरदारों में से एक सरदार था। इसको देखा, सवाल किया, क्या क्या हुआ भाई? क्या मेरे हाथ को काटा गया है? किसने काटा? अमीरुल मोमिनीन ने काटा। क्या तू तो उसका मुहिब है, मोहब्बत का दावेदार है, अली ने तेरे हाथों को काट दिया। अब इस शख्स ने जुमले कहना शुरू किए, इन जुमलों की तमहीद में सलमान के जुमलों तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। किसने जुमला कहा? कहा था यमीनी इमामुल मुत्तकीन, मेरा हाथ उसने काटा है जो मुत्तकियों का सरदार है। कता यमीनी अमीरुल मोमिनीन, मेरा हाथ उसने काटा है जो मोमिनों का अमीर है। कता यमीनी हिजाजी युन मक्की युन मदनी युन, मेरा हाथ उसने काटा है जो मक्की भी है, मदनी भी है, हिजाजी भी है, करशी भी है, मेरा हाथ उसने काटा है सैयदुल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों का सरदार है। और एक मरतबा जुमला कहा इब्नु अम्म रसूल व ज़ौजुल बतूल, उसने काटा है कि जो पैगंबर का चचाजाद है, फातिमा का शौहर है, हसन हुसैन का बाबा है, कायनात में उससे बेहतर कोई नहीं है, कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन, सफ़ैद नूरानी चेहरे वालों का सरदार है, जिससे बढ़तर कायनात में कोई नहीं है, वसीयुन नबी, नबी का वसी है, उसने मेरा हाथ काटा है। फजाइल को गिनवाना उसने शुरू किया। इब्नुल कौवा सुनता रहा, यहाँ तक कि फजाइल को मुकम्मल किया और कहा कि वाय हो तुझ पर, उसने तेरा हाथ काटा, तू उसके फजाइल को बयान किया जा रहा है। उसने कहा जो खुदा ने मेरे मौला पर हक रखा था, मेरे मौला ने उस हक की अदायगी को किया है, मेरे हाथ को काटा है। इब्नुल कौवा सुनता रहा, यहाँ तक कि यह शख्स इससे जुदा हुआ। इब्नुल कौवा मस्जिद में दाखिल हुआ और मौला की खिदमत में आकर कहता है या अली, अजीब मामला हुआ, मैंने देखा कि आपका ही चाहने वाला था, हाथ कटा के गया है, आपके फजाइल सुना रहा है। मौला मुस्कुराए, इमाम हसन और इमाम हुसैन को कहा जाओ उसे बाजार कूफा से लेकर आओ। उसे लाया गया और एक मरतबा जब मौला की खिदमत में आया, मौला ने कहा तू क्या कह रहा था? सारे के सारे फजाइल मौला ने सुने उसके लबों से। एक मरतबा दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि मौला ने सारे के सारे फजाइल उससे सुने। और जब फजाइल को सुन लिया, एक मरतबा कहा कि ए हसन मुस्तफा जाओ एक सफ़ेद पारचा लेकर आओ। सफ़ेद कपड़ा मंगाया और उस शख्स के हाथ के ऊपर रख दिया और कहा कि अपने हाथ को उसी मकाम पर लेके जाओ जहाँ से काटा गया है। दो रकअत नमाज को अदा किया, इसलिए अदा किया कि लोगों को मालूम चल जाए अली जय दे रहा है तो मिन जानिबिल्लाह लेकर दे रहा है। दो रकअत नमाज को अदा किया और फिर दुआ की, परवरदिगार उस मोहब्बत का वास्ता जो इसके दिल में हमारे लिए मौजूद है, उसके सदक़े में इसकी इस मुश्किल को दूर कर दे जो मुश्किल में ये गिरफ्तार है, इसे वैसी हालत पर लौटा दे जिस हालत पर पहले था। और एक मरतबा हाथ को पारचे पर फिराया है, अब लोगों ने देखा जो मस्जिद कूफा के अंदर मौजूद थे, कपड़ा हटा है, हाथ वैसे ही जुड़ गया जैसे पहले था। इब्नुल कौवा ने देखा और एक मरतबा कहा या अली ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? अगर हाथ को जोड़ना ही था तो काटा क्यों था? अगर हाथ को जोड़ना ही था तो काटा क्यों था? मौला ने बतलाया वो उसके जुर्म की सजा थी, ये हमारी मोहब्बत की अता है। उसके जुर्म की सजा है,
ये हमारी मोहब्बत किया था, एक पैगाम दे दिया कि मोहब्बत अहले बैत अगर है और अगर किसी का कोई हक किसी की गर्दन पर बाकी है तो उसका हिसाब व किताब और मुआवजा होना है, लेकिन मोहब्बत शिफात करवाएगी। रहती कयामत तक के लिए एक पैगाम दे दिया गया, और उन लोगों के लिए भी जो आज इस तरह के मैसेजेस को सर्कुलेट करते हैं कि अगर किसी की गर्दन पर कोई हक मौजूद है और अदादारी कर रहा है तो ऐसी अदादारी कबूल नहीं है। किसने कह दिया कि भाई अदादारी कबूल नहीं है? अदादारी एक मुख्तलिफ अमल है, उसका वो गुनाह एक मुख्तलिफ अमल है, उसकी सज़ा उसे दी जाएगी, इस अदादारी की सज़ा उसे दी जाएगी, इस अज़ादारी की सज़ा उसे दी जाएगी। क्योंकि हम हर चीज़ को अज़ादारी के मुकाबले पर लेकर आ जाते हैं। तो एक फजीलत का उनवान वहाँ पर नज़र आता है कि कूफे की मस्जिद में खड़े होकर एक शख्स अमीर कायनात के फजाइल को बयान करता है, और एक मदीने के अंदर सलमान के तरीके का नज़र आता है कि अबू शमसाम आए हैं, सवाल किया है अपने हक का और उन्हें ठुकरा दिया गया कि कोई हक तुम्हारा नहीं बनता है। मशवरा भी किया गया किसी दूसरे शख्स से, फिर कहा गया कि नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सलमान हाथ पकड़ कर अली इब्न अबी तालिब के घर के बाहर लाकर खड़ा करते हैं और मौला कहते हैं शमशाम को लेकर अंदर आओ। शमशाम कहते हैं ये कौन है जो मुझे जानता है? अब मौला के जुमले जो मौला ने कहे कि शमशाम को लेकर आओ, और सलमान के जुमले कि ये उसका दर है, ये उसका दर है कि जिसके बारे में पैगंबर ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अगर कोई इल्म के शहर में आना चाहता है इस दरवाजे से आए। ये उसका दर है कि जिसके बारे में कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई हैं। ये उसके उसका दर है कि जिसको पैगंबर ने कहा है कि फातिहतुल किताब की मानिंद है। ये उसका दर है कि जो असहाबे जन्नत की जीती जागती मिसाल है। ये उसका दर है कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अली इल्म कुल का मरकज़ है, जो नहीं जानता उसके मुकाबले पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कोई पैगाम दिया गया कि जहाँ से तुम जाकर मांग रहे थे उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि पैगंबर क्या क्या छोड़ कर गए हैं, और जहाँ पर तुम आ रहे हो ये वो दरवाज़ा है जिसे मालूम है कि पैगंबर तुमसे वादा क्या करके गए हैं। एक मरतबा ये सारे के सारे फजाइल, एक मदीने के अंदर सलमान के ये जुमले, एक कूफे के अंदर उस गुलाम के जुमले के जो मौला के फजाइल बयान कर रहा था। एक मरतबा सलमान ने सारे के सारे फजाइल को बयान किया है, और जब बयान किया है घर में दाखिल हुए हैं, घर में दाखिल होना था, मौला ने कहा कि तेरे 80 ऊँट तुझे मिल जाएंगे, ज़रा वो तहरीर तो दिखा जो पैगंबर ने तुझे दी थी, ज़रा वो तहरीर तो दिखा जो पैगंबर ने तुझे दी थी, वो तहरीर तो दिखा जो पैगंबर ने तुझे दी थी। तहरीर को दिया है। एक मरतबा मौला ने कहा कि जाओ सलमान मदीने के अंदर ऐलान करो कि कल अली इब्न अबी तालिब पैगंबर के उस वादे को पूरा करने वाला है जो पैगंबर ने शख्स के साथ किया था। ये सलमान की हिस्ट्री है, उस वादे को पूरा करूंगा जो पैगंबर ने किया था इस शख्स के साथ। मदीने में इत्तला हुई, मदीने वाले परेशान, वो अली के जिसकी खुद कैफियत ये है कि सूखी हुई रोटियां खाता है, उस अली के अंदर ये जुरअत है कि पैगंबर का वादा पूरा करे, और वादा भी कैसा कि 80 ऊँटनियाँ, और ऐसी ऊँटनियाँ के जो ख़ास कस्म की हैं, सुर्ख बाल होंगे, पेट सफ़ेद होगा, यमनी और हिजाजी पालाने होंगी। परेशान हुए। अगला दिन आया, पूरा मदीना उमड़ आया, अमीर कायनात हज़रत सलमान, अबू शमसाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन को लेकर एक मरतबा मस्जिद नबवी से थोड़ा दूर गए। आज भी वो मकाम गुज़श्ता साल तक तो मौजूद था, अब टूट गया और इमारत बन गई मकाम बुदआ, कि जहाँ से मौलाए कायनात ने ये ऊँटनियों की कतार दी थी। उस मकाम पर लेकर आए, इमाम हसन से कहा, हसन ने मुश्तबा दो रकत नमाज़ पढ़ो। दो रकत नमाज को अंजाम दिया, खुदा की बारगाह में हाथों को बुलंद किया। अब रवायत के जुमले हैं कि हसन मुश्तबा ने जो जुमले कहे वो लोगों की समझ में नहीं आ रहे थे, और एक मरतबा दुआ की, परवरदिगार उस वादे की तकमील कर रहे हैं जो तेरे रसूल का वादा है। और एक मरतबा एक मेहार हसन मुश्तबा ने हवाले की अबू शमसाम की, और कहा इसको खींचता चले जा। अबू शमसाम मेहार को खींचता जाता था, 80 के करीब ऊँटनियाँ उसे मिली, और जब उसने ले ली तो एक मरतबा अमीर कायनात के दर दौलत पर आकर बैठता है। कहा अब समझ में आता है कि खुदा किसको वसी बनाता है और किसको रसूल का नायब बनाता है। मैं उस वादे से मुतमईन हो गया जो पैगंबर ने वादा किया था। अपने इलाके वालों को जाकर बताऊंगा कि वो रसूल के जिसने मुझसे वादा किया था सिर्फ ज़बानी एतबार से सच्चा नहीं था, बल्कि कलामी एतबार से, हर एतबार से सच्चा था। जो कहकर गया उसके घर वालों ने वापस देकर भी बताया। ये
ये सलमान की ज़ात है, और ये सलमान वो हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने बाज़ रिवायत सफ़ीनतुल बिहार के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सलमान वो शख्सियत है कि जिनको परवरदिगार आलम ने ये शरफ बख्शा कि जो माकबल अम्बिया को भी बख्शा गया कि सैयदुश्शहदा की अज़ा के अंदर सलमान को शरीक किया गया। हर नबी को किसी न किसी एतबार से करबला के अंदर बुलाकर शरीक अज़ा किया गया। आदम शरीक अज़ा हुए, नूह शरीक अज़ा हुए, सुलेमान नबी शरीक अज़ा हुए, सलमान भी वो हैं कि जब सफ़र तय किया एक मकाम पर गुज़र रहे थे, सलमान की तबीयत बोझल हुई, परेशान हुए, एक मरतबा परेशान होकर सवाल किया कि ये कौन सा मकाम है, बतलाया गया कि ये करबला की सरजमीन है, यहाँ पर रसूल का नवासा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबह किया जाएगा, उसकी आल को असीर बनाया जाएगा, हुसैन 3 दिन के प्यासे शहीद किए जाएंगे। अजीज़ो ये वो अय्याम हैं कि जो असीरान करबला के अय्याम हैं। कल आपने सुना कि बनी असद वालों ने आकर दफनाने की कोशिश की है, उससे पहले ये काफ़िला चला है। ये काफ़िला चला कैसे है? ये काफ़िला चला ऐसे है कि रावी लिखता है कि 11 मुहर्रम का दिन आया और जब यह हुक्म सादिर किया गया कि शहदा के सरों को नोके सेना पर बुलंद किया जाए और बीबियों को सवार कराया जाए, सवारियों को लाया गया, तो एक मस्तूर थी जो हर एक को सवार करा रही थी। बीबियां खेमों से बाहर निकलती थी और ये मस्तूर हर एक बीबी को सवार कराती थी। लैला निकली हैं, इसने सवार कराया, रबाब निकली हैं, इसने सवार कराया है, यहाँ तक कि हर एक जो बाहर निकला है इस बीबी ने सवार कराया है। और जब खुद सवार होना चाहती थी उस वक्त इसने ये जुमला कहा है, मक्तल का रुख किया है, अब्बास से आलमदार को पुकारा है और यह जुमला कहा है, अंतल लज़ी इरकबतनी इज़ा अरदतुल खुरूज मिनल मदीना, ए अब्बास जब मैं मदीने से निकल रही थी तूने मुझे सवार कराया था। अब्बास अली की बेटी ने हर एक को सवार कराया है, अली की बेटी को सवार कराने वाला कोई नहीं है। और ये वो मस्तूर है कि जिसके बारे में मक्तल ने लिखा है कि जब 11 मुहर्रम का दिल आया था और सवारियों को तैयार किया जा रहा था, क्या दो मस्तूरात ऐसी थी कि जो एक जनाजे के पास बैठी हुई थी, एक बुजुर्ग मुअम्मर खातून थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो जनाजे से लिपटी हुई थी। कौन थी? ये हुसैन के जनाजे से लिपटी हुई ज़ैनब कुबरा थी और सकीना थी। ये बहन एक मरसिया पढ़ रही थी, मदीने का रुख करके कहती थी, या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, हाजा हुसैन, ये आपका हुसैन है जो बयाबान में पड़ा हुआ है, मसबूबुल अमामा, इसके अमामे को उतार लिया गया, मक्तूउल वतीन, जिसकी रगों को काट दिया गया, अरे जिसके बोसे आप लिया करते थे वहां पर खंजर को चलाया गया, इसके बच्चों को असीर बनाया गया है, असीर बनाकर ले जाया जा रहा है। जब हुक्म सादिर हुआ कि काफिला चले, ये मस्तूर जनाजे से हट गई, लेकिन वो जो बच्ची थी वो जनाजे के पास लिपटी हुई थी। एक मर्तबा शिमर ने कहा, ये बच्ची जो है इसे जनाजे से छुड़ाकर लेकर आओ। अजीजों 3.5 साल की बच्ची है, कोई जाए प्यार मोहब्बत से जुदा करे लेकर आ जाए। लेकिन 3 शकी आगे बढ़े है, एक के हाथ में ताजियाना है और एक मर्तबा आगे बढ़कर करीब जाता है, सकीना को पुकारता है, बाबा के जनाजे से दूर हो जा। बच्ची ने तवज्जो न दी, एक ने तमाचा मारा है, एक ने ताजियाना मारा है। बच्ची बिलखती हुई जुदा होकर कहती है, ऐ मेरे बाबा, जो तू जुदा हो गया, सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं, सकीना को ताजियाने। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ अय्यम क़लब उन क़लब उन बार इलाहा, हमारे इस कलील तवसल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। ए मेरे परवरदिगार, हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा की मगफ़रत फ़रमा। ए मेरे परवरदिगार, हम नाक़िस हैं, हमारी इबादतें नाक़िस हैं, तू कामिल है, तेरी कुदरत कामिल है, अपनी कुदरत कामिला से हमारी इबादत नाक़िस को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। ए मेरे परवरदिगार, जो जो मोमिन जो जो हाजतें लेकर आए हैं परवरदिगार, उसकी तमाम जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में दस्बा दुआ होते हैं मेरे परवरदिगार, जो बेरोज़गार हैं उन्हें बरसर रोज़गार फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिश्ते हलाल व तय्यब में कुशादगी इनायत फरमा। ए मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, जो बे औलाद हैं उन औलाद सालिहा इनायत फरमा, जो साहिबान औलाद हैं उन औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारी नस्लों में अली इब्न अबी तालिब की विलायत को मुंतकिल फरमा, हमारी नस्लों में आज़ादारी से शहदा को रासिख फरमा। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, इंतकाम करबला लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ़ को इज़्न ज़ुहूर अता फ़रमा।
हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना बिहक मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन से पहले एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा। मरहुमा नरगिस बानो राजानी, राजानी ख़ानदान के तमाम मरहुमीन, जितने हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम हाज़रीन के मरहुमीन को याद करते हुए, खुसूसन मोहसिन मिल्लत अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा मुंतज़र अब्बास नक़वी, तमाम शहदाए मिल्लत जाफ़रिया और तमाम मरहूम राजानी कराम को याद करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين। ماتم حسين।